नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 26 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की महिलाएं होंगी साक्षर। बिहार में नियमित टीकाकरण के लिए बनेगा विशेष केंद्र और कॉर्नर। बिहार की बेटी सीमा की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। शिक्षकों का प्रमाण पत्र 10 दिनों में अपलोड करने का निर्देश। देश भर में बैन हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की महिलाएं होंगी साक्षर। बिहार की महिलाएं पूरी तरीके से पढ़ी लिखी हो, इस बात को सुनिश्चित करने में बिहार की नीतीश सरकार लगी रहती है, लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है जिन्हें शिक्षा की सख्त जरूरत है। इसी को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं को साक्षर बनाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत ही राज्य सरकार महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग समुदाय की व्यसक महिलाओं और बालक और बालिकाओं की साक्षरता और शिक्षा पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 480 करोड़ और करीब 21 लाख रुपए खर्च करने वाली है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना में इस राशि के प्रावधान से गति आएगी। शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय ने तत्काल 99 करोड़ रुपए के सहायक अनुदान के रूप में निकासी की भी स्वीकृति दे दी है। आज बिहारी भर थ्री स्पेशल में हम बात करेंगे राधिका रमन प्रसाद सिन्हा की। राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा एक भारतीय सिविल इंजीनियर और हिंदी साहित्य के लेखक थे। 26 मई 1937 को भारत के बिहार राज्य में पटना में इनका जन्म हुआ था। सिन्हा द गांधी कैप एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज और डिकोडिंग ऋग्वेद फॉर द नॉलेज ऑफ साइंस जैसे किताबों का लेखन कर चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में तीसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। बिहार सरकार ने उनके सम्मान में एक वार्षिक पुरस्कार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार की स्थापना भी की है। बिहार में नियमित टीकाकरण के लिए बनेगा विशेष केंद्र और कॉर्नर। बिहार में टीकाकरण नियमित रूप से हो सके, इसको लेकर बिहार के 35 जिलों में निजी अस्पतालों की तर्ज पर चाइल्ड फ्रेंडली आदर्श टीकाकरण केंद्र और कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। इसका लाभ अब नवजात शिशुओं को निरंतर मिलने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस खास टीकाकरण केंद्र पर अब आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसी का नतीजा है कि निजी अस्पताल में प्रसव कराए गए हैं। अधिकांश बच्चों का टीकाकरण इन केंद्रों पर अब संभव हो रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत इन्होंने साफ किया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में 19 आदर्श टीकाकरण केंद्र, 154 आदर्श टीकाकरण कॉर्नर और 88 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कॉर्नर की स्थापना की गई है। इन आदर्श टीकाकरण केंद्रों और कॉर्नर पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण नियमित टीकाकरण की सेवा दी जा रही है। बिहार के लाल जल्द ही कॉमिक रोल में आएंगे नजर। बिहार से निकले कई सितारों ने अलग अलग मंच पर बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री में भी बिहार के कई कलाकार हैं। इन्हीं कलाकारों की सूची में अब बिहार का एक और सितारा जुड़ने जा रहा है। शक्तिमान में घोष बाबू से फेमस हुए बिहार के भोजपुर जिला के शाहपुर पंचायत के भरौली गांव निवासी जय मिश्रा जल्द ही बड़े पर्दे पर कॉमेडी के रोल में दिखेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आगामी 27 मई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्म तीन सयाने में जय मिश्रा एक नई भूमिका में कॉमेडी करते दिखेंगे। फिल्म में जय मिश्रा एक भिखारी के चरित्र को निभा रहे हैं, जिनका नाम अठन्नी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिल्म तीन सयाने तीन लड़कों की कहानी है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए बिहार में शुरू हुई तैयारी। बिहार में बाढ़ की समस्या हर साल आती है, इस साल भी बाढ़ की समस्या आने की आशंका जताई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में मॉनसून के आगमन और बाद की पूर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके तहत ही बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों के अस्पतालों में जरूरी दवाओं का भंडारण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा एवं जिला के सिविल सर्जनों को जिला और प्रखंड मुख्यालय स्थित अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जरूरी दवाओं में जलजनित रोगों और महामारी की रोकथाम को लेकर आवश्यक दवाओं को शामिल किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि राज्य में संभावित बाढ़ और इससे उत्पन्न स्थिति के कारण जानमाल की क्षति के अलावा जल जनित रोग महामारी फैलने की संभावना के मद्देनजर उसकी रोकथाम हेतु पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इंडियन बैंक ने निकाली रिक्तियां। इंडियन बैंक ने विशेषज्ञ अधिकारी के कुल मिलाकर 312 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मास्टर्स या स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 14 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.indianbank.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार पुलिस को फिर मिला वाहन जांच का अधिकार।
बिहार पुलिस अब एक बार फिर से वाहनों की जांच का मोर्चा संभालने वाली है। मोटरयान अधिनियम के तहत 26 अप्रैल 2023 तक पुलिसकर्मी गाड़ियों की जांच कर सकेंगे। परिवहन विभाग की तरफ से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि अब राज्य के पुलिस पदाधिकारी अगले एक साल तक गाड़ियों की जांच कर सकेंगे। विभागीय आदेश इसकी जानकारी तो दे दी गई है, लेकिन अब ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पुलिसकर्मी मोटरयान अधिनियम के तहत धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 189, 192, 194B, 194C, 194D, 194E और धारा 194F के तहत गाड़ियों की जांच के बाद जुर्माना लगा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नियमित अंतराल पर अवधि विस्तार करते हुए पुलिसकर्मियों को जांच का अधिकार दिया जा रहा है। पहले यह अधिकार एक साल के लिए दिया गया था, यह अवधि समाप्त हो गई थी। इसको देखते हुए विभाग ने एक बार फिर से यह अधिकार दे दिया है। बिहार की बेटी सीमा की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसे जरूरतमंदों की जरूरतों का पता और संघर्ष की कहानी लोगों को मिलती रहती है। ऐसा ही एक वीडियो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के जमुई जिले की सीमा, जो कि फतेहपुर गांव के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है, वो एक पैर से दिव्यांग है और वो रोज स्कूल एक पैर पर उछल उछल कर जाती है। सीमा का यही वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने बिहार की बेटी सीमा के हौसले को सलाम किया है। सोनू सूद ने तुरंत मदद का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अब यह अपने एक नहीं दोनों पैर पर कूदकर स्कूल जाएगी, टिकट भेज रहा हूं, चलिए दोनों पैरों पर चलने का समय आ गया है। स्थगित हुई सहायक सिविल इंजीनियर भर्ती परीक्षा। सहायक सिविल इंजीनियर भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। 12 और 13 जून को होने वाली सहायक सिविल इंजीनियर बहाली की परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग ने स्थगित कर दिया है। इसको लेकर आयोग ने सूचना भी जारी कर दी है। आयोग की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा अब अगली तारीख की घोषणा के बाद में ली जाएगी। बीपीएससी संयुक्त परीक्षा 67वीं पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और उस मामले में ईडी की जांच चल रही है। आयोग भी जांच के दायरे में है। बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6421 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा 31 मई को ही लेने का फैसला लिया है, जिसका समय 12 बजे से 2 बजे तक होगा। इस बहाली को लेकर कहा गया है कि हाईकोर्ट में दायर अपील से परीक्षा और परीक्षा फल प्रभावित नहीं होगा। पेट्रोल पंप मालिकों ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में पेट्रोल पंप मालिकों ने बीते दिन बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत ही पंप मालिकों ने तेल कंपनी पर आरोप लगाया है। तेल मालिकों का कहना है कि तेल कंपनियों के मनमानी से घाटा हो रहा है, जिसके विरोध में पेट्रोल पंप मालिकों ने धरना दिया है और ऐलान किया है कि 31 मई को तेल कंपनियों से तेल नहीं लेना है। बता दें कि अब से कुछ महीने पहले देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में रिकॉर्ड मात्रा में क्रमशः 5 और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। इस घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से वैट घटाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, जिससे तेल की कीमतों में कमी आई है। शिक्षकों का प्रमाण पत्र 10 दिनों में अपलोड करने का निर्देश। बिहार में छठे चरण के तहत चयनित 43,000 से अधिक शिक्षकों के सभी तरह के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एनआईसी की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने हाल ही में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने निर्देश जारी कर दिया है। ये नियुक्ति शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उनका प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उन्हें जल्द ही वेतन भुगतान किया जाएगा। 13 मई को कई शिक्षक संघों ने वेतन को लेकर सवाल उठाया था, हालांकि 23 फरवरी से ही इन्हें नियुक्ति पत्र मिलने लगा था। इसके बावजूद अब तक इनकी सैलरी अटकी हुई है। इसको लेकर वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के सभी डीईओ को कहा गया है कि इन शिक्षकों का सभी तरह का प्रमाण पत्र एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। गांधी सेतु का पूर्वी लेन बनकर हुआ तैयार। उत्तर बिहार को जोड़ने वाले राजधानी पटना का गांधी सेतु पुल अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही बीते दिन इसका निरीक्षण करने पहुंचे थे और अब इस पुल के उद्घाटन की तारीख का भी ऐलान हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गांधी सेतु के ऊपर छोड़कर नए सिरे से उस पर आधुनिक तरीके से निर्माण किया गया है। गांधी सेतु का ऊपर छोड़कर नए सिरे से आधुनिक निर्माण के साथ ही अब तकरीबन 80 की रफ्तार से गाड़ियां इस पर रफ्तार भरने वाली है। उम्मीद है कि अब इस लेन का लोकार्पण 7 जून को केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करने वाले हैं। वैशाली के बुद्ध स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गौतम बुद्ध के काल के गौरव का वर्णन करता बुद्धा स्तूपास बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। अगर आप यहां घूमने जाएं तो प्रयास करें कि सूर्योदय के समय पहुंचे, उस समय यहां का दृश्य सबसे सुंदर और मनोहर होता है। आप इस खूबसूरत सुबह को अपने कैमरे में भी कैद कर सकते हैं। यहां प्रवेश के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होता है। जूनियर इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों ने किया खूब हंगामा।
सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे कई विभाग के अभ्यर्थी परीक्षा पास करने के बावजूद बहाली नहीं होने के कारण परेशान हैं। इसी कड़ी में आयोग की तरफ से सीधे डिपार्टमेंट के आधार पर मेधा सूची जारी करने के आरोप में बीते दिन बिहार तकनीक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर जूनियर इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों ने खूब प्रदर्शन किया। ज्ञात हो सरकारी पॉलिटेक्निक छात्रों को मिलने वाले 40% आरक्षण के साथ रिजल्ट देने के लिए अभ्यर्थियों ने जब आवाज उठाई तो आयोग ने रिवाइज रिजल्ट देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन आज तक रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। छात्र ने आयोग से पहले मेरिट और 40% आरक्षण के साथ रिजल्ट देने की मांग की है। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में प्रदेश में अगले 24 घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट है। इस दौरान प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की बात भी कही गई है। पटना मौसम केंद्र की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह बना हुआ है। झारखंड के उत्तरी भाग में एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग मुख्य रूप से आंधी पानी के साथ बिजली चमकने और हल्के से मध्यम स्तर के बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि राजधानी पटना और इसके आसपास क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ही बिजली चमकने के आसार हैं। जारी हुआ बिहार बोर्ड के 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट। बिहार बोर्ड ने इस साल 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट मार्च में जारी कर दिए थे। एक खास रिकॉर्ड उस वक्त ही बना लिया था। अब बिहार बोर्ड ने 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा और विशेष परीक्षा का रिजल्ट भी बीते दिन जारी कर दिया। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा और विशेष परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट results.biharboardonline.com पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं पर ही अपलोड किया जा चुका है। परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट इसी वेबसाइट पर अब चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 के विज्ञान संकाय में कुल 24,767 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से कुल 14,086 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार में यहां बनने जा रही है एक और सड़क। बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही एक और सड़क बनने जा रही है। योजना के अनुसार इस सड़क का काम अगले साल की बारिश से पहले पूरा करने की योजना है। ये नई सड़क मंदिरी नाले को ढककर बनाई जानी है, जो कि पटना के आयकर गोलंबर से काली मंदिर तक बनेगा और 1,289 मीटर लंबे मंदिरी नाले पर बनाना है। इस पर दो लेन सड़क बननी है। प्रत्येक लेन की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। इस सड़क के बन जाने से आयकर गोलंबर के बांसघाट के बीच उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इससे आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा। साथ ही इस नए सड़क के बन जाने से स्थानीय लोगों को बदबू, जल जमाव समेत अन्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। देश भर में बैन हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक। देश भर में अब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ये नियम देश भर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इस आधिकारिक ऐलान से पहले ही सरकारी कार्यक्रम में सिंगल यूज पॉलिथीन को बंद कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब किसी भी सरकारी कार्यक्रम में सिंगल यूज पॉलिथीन और थर्मोकॉल का उपयोग नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व में भी सरकार द्वारा ऐसे फैसले लिए गए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया था। इस बड़ी वजह ये थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से आदेश को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अब इसका विकल्प बाजार में आ गया है। सीएम नीतीश ने किया 1,000 करोड़ के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास। बीते दिन तय योजना के अनुसार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग, निर्मित साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के 893 करोड़ से अधिक के 17 भवनों का उद्घाटन किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने 193 करोड़ से अधिक के 5 भवनों का शिलान्यास भी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास का काम किया। वहीं इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार इन दिनों कई विभागों की योजनाओं और उद्घाटन का शिलान्यास लगातार कर रहे हैं। अब 7 जून को पथ निर्माण विभाग के भी 15,000 करोड़ से अधिक की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। पटना के चिड़ियाघर में प्राथमिक उपचार की सुविधा। संजय गांधी जैविक उद्यान आए दर्शकों के लिए प्राथमिक उपचार की नई सुविधाओं को बहाल कर दिया गया है। इसको लेकर उद्यान के दोनों गेट पर मेडिकल किट बॉक्स रखे गए हैं। उद्यान आए दर्शकों को यदि चोट लग जाए तो उद्यान के अंदर ही मरहम पट्टी हो जाएगी। इसको लेकर जू के एक कर्मचारी को अलग से प्रशिक्षित भी कर दिया गया है और तैनाती कर दी गई है। अक्सर छुट्टियों में लोग संजय गांधी जैविक उद्यान में घूमने तो जाते हैं, लेकिन अब तक ऐसा देखा गया है कि चिड़ियाघर में प्राथमिक उपचार की कोई सुविधा नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब घूमने आए पर्यटकों को तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। जातिगत जनगणना को लेकर श्रवण कुमार ने कही बड़ी बात।
बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही है। हालांकि बिहार में अब जो हलचल चल रही है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जातिगत जनगणना जल्द ही हो सकती है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ी बात कह डाली है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना बेहद जरूरी है, इससे सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण पहले कराए जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर शुरू से काम कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री ने कई योजना बनाई है। वहीं लालू प्रसाद यादव के आगमन पर उन्होंने कुछ भी असर नहीं पड़ने की बात तक कह दी है। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बीते दिन दिल्ली दौरे पर दिखे, जहां राज्यपाल फागू चौहान ने बीते दिन प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। हालांकि उन्होंने ये मुलाकात की क्यों है इसकी कोई जानकारी अब तक निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बिहार की सियासी घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी दी है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान पीएमओ पहुंचे थे, हालांकि मीडिया के सवालों से राज्यपाल बचते देखे गए। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में ये चर्चा की जा रही है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए ही जदयू ने अपने तमाम विधायकों को 72 घंटे तक पटना से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था। हालांकि इस पर जदयू के नेताओं की तरफ से अलग अलग सफाई भी आ चुकी है। वहीं अब फागू चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कई सवाल उठा रही है। बार बार सीबीआई रेड के सवाल से भड़क गए शिवानंद तिवारी। सीबीआई रेड के बाद से ही लालू परिवार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निशाने पर है, जिसके बाद से ही वो इस मामले को लेकर बार बार उल्टा राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को ही घेरे में ले रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, जिससे अब शिवानंद तिवारी भी बौखला गए हैं। इसी बौखलाहट में बीते दिनों उन्होंने सुशील मोदी को लेकर तंज कसा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सुशील मोदी की राजनीति अभी तक बालिग नहीं हो पाई, संभवत इसीलिए इनकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार की राजनीति से इनको अलग किया था। जब दिल्ली ले गए तो उनके भक्तों को उम्मीद थी कि बिहार में इतने लंबे समय तक वित्त विभाग को इन्होंने कुशलता से संभाला, अब निर्मला सीतारमण की कुर्सी पर सुशील जी का बैठना तो पक्का ही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया आज से ही जाने लगा था। भारत और जर्मनी के बीच 2007 में रक्षा समझौता आज ही के दिन संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज और खाद्य तेल की स्टॉक सीमा तय करने की संबंध में अधिसूचना 2008 में आज ही के दिन जारी की। बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार का जन्म 1983 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरताज सिंह का जन्म 1940 में आज ही के दिन हुआ था। एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ को 14 रन से आरसीबी ने दी मात। आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंचने से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बस एक कदम दूर है। लखनऊ के खिलाफ खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले को टीम ने 14 रनों से जीत लिया। कप्तान केएल राहुल की 79 रनों की पारी भी लखनऊ को जीत नहीं दिला पाई। लखनऊ इस हार के साथ आईपीएल से बाहर हो गई है। मैच के हीरो रजत पाटीदार रहे, उन्होंने 54 गेंदों में 114 रनों की पारी खेली। बेंगलुरु के लिए हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 25 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। अब आरसीबी दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 27 मई को भिड़ने वाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रविकांत यादव, गौतम कुमार, सोनू कुमार, सोनी कुमारी, अंबिका कुमारी, राजीव कुमार, संध्या सिंह, श्वेता रॉय, प्रदीप, उमाशंकर एंटरटेनमेंट, गोविंद गुप्ता, नुन्नू कुमार, बंटी सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का निर्णय पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से आपके अनुसार कितना फायदेमंद होगा? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।